हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल गार्डनिंग एंड आयुर्वेदा में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रोजेज कि मेरे पास अभी चार प्रकार के गुलाब यहाँ पे रखे हैं। मैं आपको उन चारों गुलाबों के बारे में बताऊंगा कि कौन सा गुलाब कहाँ से आता है हमारे पास और उस गुलाब की क्या खासियत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है, कृपया हमारे चैनल गार्डनिंग एंड आयुर्वेदा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं जो हमारे पास आज गुलाब आए हुए हैं उन चार तरह अलग अलग तरह के गुलाब के बारे में कि कौन सा गुलाब कहाँ से आता है और वो क्या खासियत रखता है। तो सबसे पहले दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इस बेल वाले गुलाब के बारे में। तो ये जो दोस्तों जो गुलाब है, ये देखें, ये गुलाब बेल की तरह है। कहीं पर भी आप इसको चढ़ा सकते हैं, किसी पेड़ के सहारे, आप दीवार के सहारे, किसी रस्सी या सुतली के सहारे आप इस गुलाब को लगा सकते हैं। ये गुलाब आम तौर पे पुणे से चलता है, महाराष्ट्र से चलता है। तो इस गुलाब की खासियत ये है दोस्तों, इस गुलाब में कोई कलम नहीं चढ़ती, ये डायरेक्ट ज़मीन में कटिंग लगाने से ही उग जाता है। और इसकी खास बात है, ये बेल की तरह चढ़ता है और ये जितनी ज़्यादा चढ़ेगा उतना ज़्यादा ही इसके ऊपर फ्लावरिंग होती है। हर ब्रांच के ऊपर इसकी फ्लावरिंग होती है, ये देखें, हर ब्रांच के ऊपर फ्लावरिंग है। अभी मेरे पास वाइट कलर का गुलाब है, तो इस गुलाब को आप ज़रा ध्यान से देखें। यह गुलाब नीचे से ऊपर तक एक ही टहनी के सहारे चलता रहता है, ये इसकी मेन ब्रांच है और इसकी साइड से ब्रांच जो निकलती हैं उन ब्रांचों पे ये फूल आते हैं। और इस गुलाब का जो मेन, इस गुलाब की जो मेन बात है, इसकी पत्तियां ज़्यादा चौड़ी नहीं होती, इसकी पत्तियों का आकार छोटा रहता है, ये देखें। और इसका फूल बिल्कुल खिल जाता है क्योंकि ये देसी गुलाब की तरह इसका फूल आता है। जो हाइब्रिड गुलाब होता है उसका फूल थोड़ा टाइट टाइट सा रहता है, लेकिन इसका गुलाब, गुलाब का जो फूल है ये टाइट नहीं रहता, ये बिल्कुल लचीला होता है, ये देखें, ये ऐसे बिल्कुल हल्का फूल होता है इसका। और ये जहाँ पर भी लग जाता है वहाँ पर फ्लावरिंग इतनी होती है कि लोग देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। अब दूसरे नंबर पे गुलाब, ये देखें आप, मिट्टी से पहचाने, ये मिट्टी महाराष्ट्र पुणे से आता है गुलाब हमारे पास। और ये गुलाब, इसका जो फूल होता है, इस फूल की पत्तियां थोड़ी मोटी होती हैं और यह गुलाब कई दिन तक टिका रहता है। इस गुलाब में दोस्तों खुशबू थोड़ी कम होती है लेकिन सुंदर बहुत ज़्यादा लगता है। और इस गुलाब की खास बात है, यह गुलाब पहले जो नीचे दूसरा देसी गुलाब होता है उस गुलाब के ऊपर यहाँ पे इसकी कलम लगती है, उस कलम के बाद यह गुलाब बनता है। इस गुलाब की पत्तियाँ जो ये बेल वाला गुलाब बताया था उससे देखो चौड़ी हो हैं थोड़ी, और ये आपको दिख भी रही हैं। और इसकी जो पत्तियाँ हैं थोड़ी मोटी भी होती है, टाइट भी होती हैं। अलग अलग कलर के गुलाब आपको देखने को मिलेंगे, ये देखें, इसमें आप किसी भी कलर का गुलाब, जो भी आपके मन में कलर है वो आप पसंद कर सकते हैं। पूरे भारत में आपको आसानी से मिल जाते हैं गुलाब के पौधे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल गार्डनिंग एंड आयुर्वेदा को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें नई नई वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। अब दोस्तों, ये जो गुलाब है, ये तीसरे नंबर पर मैं जो गुलाब बता रहा हूँ आपको, ये भी इंग्लिश गुलाब है, लेकिन ये गुलाब उत्तर भारत में, उत्तर भारत के आसपास, उत्तर प्रदेश से और कलकत्ता साइड से यह गुलाब हमारे पास चलता है। और इस गुलाब की खास बात है, इसका जो पत्ता होता है, ये जो बेलनुमा गुलाब है उस पत्ते से थोड़ा मोटा, और जो इंग्लिश गुलाब पुणे वाला है उससे थोड़ा पतला होता है। और इस पे फूल बहुत ही सुंदर लगता है, ये देखें, इसका भी फूल थोड़ा टाइट होता है और फूल झड़ता नहीं बिल्कुल आसानी से, लंबे समय तक इसका फूल टिकता है। यह गुलाब भी कलम से ही तैयार होता है, ये देखिए, नीचे यहाँ पे कलम बनती है और इस कलम के बाद यह गुलाब यहाँ से चलता है। और एक गुलाब और है दोस्तों, वो है बिल्कुल देसी गुलाब। देसी गुलाब अपने यहाँ यूपी में और
यूपी के आसपास के एरिया से हमारे पास आता है। और यह गुलाब देखें, यह देसी गुलाब है। यह गुलाब भी कटिंग से लगता है, इस पे कलम नहीं लगती, ये डायरेक्ट कटिंग लगा के और आप इस गुलाब को लगा सकते हैं। और इसका जो फूल होता है दोस्तों, यह देसी गुलाब है, इसका फूल भी बिल्कुल सॉफ्ट होता है। इंग्लिश गुलाब की तुलना में यह फूल थोड़ा टाइट नहीं होता और यह आसानी से झड़ भी जाता है। जो हमारे गुलकंद जो बनता है वो देसी गुलाब का ही बनता है, और इस गुलाब में खुशबू बहुत बेशुमार होती है, बहुत अच्छी खुशबू इस गुलाब से आती है। तो दोस्तों, ये जो आज मैंने आपको चार गुलाब बताए हैं, ये चार गुलाब बहुत ही आसानी से आपको पूरे भारत में कहीं पर भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो में हमने आपको जानकारी दी है चार गुलाब के बारे में, तो दोस्तों यह बहुत ही कॉमन सी एक जानकारी है, लेकिन अधिकतर लोगों को पता नहीं होता कि गुलाब कितनी वैरायटीज़ में आते हैं। गुलाब दोस्तों कई वैरायटीज़ में और आता है, लेकिन अभी मेरे पास ये चार गुलाब थे, इन चारों गुलाबों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इन्हीं गुलाब के पौधों को लगाकर बताएंगे कि इन गुलाब के पौधों पर आप कैसे मैक्सिमम फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल गार्डनिंग एंड आयुर्वेदा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी हम वीडियोस बनाते हैं कृपया उस वीडियो को पूरा देखें। उस वीडियो में हम चाहे जानकारी छोटी हो, लेकिन जानकारी बहुत ही इन्फॉर्मेशनल होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो हमारी अच्छी ही लगी होगी। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल ज़रूर बढ़ाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।